हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और बाहर बिल्कुल साफ है वातावरण। बहुत दिनों बाद हल्की सी धूप आई है, अभी जस्ट आई है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपसे शेयर करूं। और मैं यहाँ पे, आपको पता नहीं सामने दिखेगा नहीं, मैंने यहाँ पे कपड़े पसार कर रखा हुआ है, हैंगर को बाहर कर दिया है। सारे पेड़ पौधे को मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही इतने दिनों से, तो सारे चीज़ मुरझा रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, बस थोड़े दिनों की बात है, समर आते ही जनवरी ख़त्म होगी, उसके बाद ही यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना होने वाला है। फिर सारा कुछ रूटीन में आ जाएगा, रेगुलरिटी आ जाएगी लाइफ में। अभी बस ऐसे ही चल रहा है। तो आज साल का लास्ट डे है, 31st of December, तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और आई होप आप लोग बहुत इंजॉय करोगे आज के दिन, क्योंकि हमें याद करना चाहिए कि हमने इस साल क्या क्या अचीव किया, क्या नई शुरुआत की, अपने लाइफ को कैसे टर्न किया, कैसे खुद को अपडेट रखा, कैसे खुद का ख्याल रखा, आगे क्या गोल अचीव करनी है, क्या करनी है अपने लाइफ में। तो हमें एक शेड्यूल ज़रूर तैयार करनी चाहिए अपने मन में। शेयर करनी ज़रूरी नहीं होती है हर बात, लेकिन अपने मन पे ज़रूर इंसान को एक गोल बनानी चाहिए कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। जब आपके पास एक टारगेट होता है ना अपने लाइफ का, तो आपको लाइफ बहुत इजी लगती है और सब कुछ आपको आपके अकॉर्डिंग ही लगता है। लेकिन यदि आप अपने लाइफ में कोई टारगेट को नहीं सोचते हो, या कोई अपने लाइफ में काम को करने का नहीं सोचते हो, तो लाइफ बहुत बोझिल हो जाती है और आपका जो टाइम है ना वो कैसे स्पेंड होता है आपको एक एक दिन का पता होता है। लेकिन यदि आप कोई काम को करते हो तो समय का कुछ पता नहीं होता और आपकी अचीवमेंट आपको बहुत पुशअप करती है आगे बढ़ने के लिए। तो अभी शाम हो रहा है, मैं रेगुलर नहीं बना पाई वीडियो, और ये यहाँ पे अंकु और पीहू दोनों बैलून से खेल रहे हैं और हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से, तो देखती हूँ उन्होंने कुछ लाया है, क्या लाया है उन्होंने। मैंने बोला था उन्हें समोसा और जलेबी लाने, शायद शॉप बंद थी। यहाँ पे मैंने दूध चढ़ाया हुआ है, बच्चों को दूध देना है, और कल की जो दूध बची थी उसको भी मैंने पतीले में चढ़ाया है। और इधर देखिए उन्होंने क्या लाई है, तो मैं चेक कर रही हूँ, ये है मट्ठी, बहुत अच्छी लगती है चाय के साथ। और यहाँ पे रसगुल्ला और गुलाब जामुन है, बहुत ही यमी है ये। यहाँ पे ब्रेड भी लाया उन्होंने, मैंने बोला था ब्रेड लाने, चूँकि काफ़ी ठंड होती है ना, ब्रेड होता है तो बच्चे कभी भी कुछ खाने के लिए मांगते हैं, तो फिर आराम से हम उसको दे सकते हैं इसलिए। और इधर उन्होंने सब्जी भी लाई हुई है, मैं बच्चों को सर्व कर रही हूँ रसगुल्ला और गुलाब जामुन दोनों। शाम का स्नैक्स भी हो जाएगा, दूध पी लेंगे, उसके बाद फिर रात को सैंडविच वगैरह दे दूँगी। तो ऐसे ही चल रहा है हमारा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए ये लास्ट डे का स्वीट्स। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैंने मट्ठी निकाली है, मिठाई निकाली है, और उधर मैं चाय को बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ना जो दूध कल का बचा था उस पे ही मैं और आज का दूध मिलाकर मैं यहाँ खीर चढ़ा दिया है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ठंड होती है कि मुझे सुबह उठकर फिर दूध गर्म कर खीर बनाओ, और ठंडी खीर भी बहुत अच्छी लगती है, और गर्म खानी होगी तो माइक्रोवेव में गर्म कर लिया जाएगा, इसलिए मैं अभी खीर बना रही हूँ कल के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने रखी है चाय, तो हम अदरक वाली चाय पीने जा रहे हैं, और ठंड में तो चाय के नाम से ही अदरक वाली खास करके बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए हम इंजॉय करते हैं अपने स्वीट्स वगैरह और चाय, फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो ये रही मेरे हस्बैंड की स्नैक्स, मट्टी स्वीट्स विद टी। तो चलते हैं, पतिदेव को देते हैं स्नैक्स, रिफ्रेशमेंट। और यहाँ बच्चे दूध को पी रहे हैं, और ये है मेरी सैंडविच,
जो आज के डिनर में मैं हम लोग वेज सैंडविच एंजॉय करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आपने देखा कि हमने शाम का चाय वगैरह कर लिया है, तो मैंने सोचा आज क्यों नहीं आपसे थोड़ी सी बातें करूं, क्योंकि आज साल का लास्ट डे है। तो आज का ब्लॉग तो बनता था, मैंने सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि फ्रेंड आपको पता है अमृतसर में मैं हूँ और अमृतसर से ब्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ काफ़ी ठंड है, तो मुझे ठंड से काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। मेरी आवाज़ भी चली गई है, हल्की मोटी सी आ रही होगी, आपको जैसा लग रहा होगा, फील हो रहा होगा आपको। तो वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन ब्लॉगर आरजू, और मैं हूँ आरजू एज यू नो। लेकिन जो मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं हूँ आरजू, और अपने यूट्यूब चैनल पे मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है और यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। मैं आज है 2019 का लास्ट डे, 31st of December। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना साथ देने के लिए, जिसके थ्रू मैं ब्लॉग शेयर कर पाती हूँ, आप तक अपनी फीलिंग को शेयर कर पाती हूँ आपसे। और बहुत जो ये यूट्यूब का मेरा जो छोटा सा परिवार है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आई एम सो हैप्पी। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमने क्या अचीव किया 2019 में। सुख दुख तो लगे रहते हैं, सभी के साथ होते हैं। सामने वाला सोचता है सामने वाला तो बिल्कुल दुखी नहीं है, उसका तो सुख सुख ही चल रहा है, अच्छे अच्छे सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। सुख दुख सभी के साथ ही है और वो बिल्कुल नहीं छोड़ता किसी को। तो बस हमें थोड़ा सा अपने अच्छी चीज़ों को ज़्यादा याद करना चाहिए, और जो हमारे बुरे वक्त होते हैं ना वो हमें एक लेसन दे जाते हैं, तो इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, उनसे कभी कतराना नहीं चाहिए। हम अपने लाइफ में हमेशा मैच्योर नहीं होते, छोटे बच्चे जब होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता कि लाइफ क्या है। हम दूसरों को देखते हैं और बस अपनी धारणा बना लेते हैं कि वाह क्या लाइफ है उनकी, लेकिन नहीं, वो अपने लाइफ को इतने बेहतर बनाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा है या कुछ स्ट्रगल नहीं किया है। तो उनसे कभी आपको लगता है कि कोई आपके लाइफ में है जो बहुत मायने रखते हैं या आपको उनकी लाइफ अच्छी लगती है, तो कभी उनको झांकने की कोशिश करें, उनसे मिलने की कोशिश करें, उनसे बातें करें, फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है, अपने लाइफ को एक्सपीरियंस किया है, तब आज निखार ले आ पाए। तो बस और ज़्यादा नहीं आज बातें करूँगी, आज खुशी खुशी वाला दिन है, चूँकि नया साल आने वाला है, पुराने साल तो जा चुके, जो हमारा बीत चुका है उसे ज़्यादा ना याद करके आने वाले साल को हम बहुत नए जोश और नई धारणा के साथ, नए उत्साह के साथ उसको सेलिब्रेट करेंगे, वेलकम करेंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर टू माय ऑल फ्रेंड्स इन एडवांस। कल भी मेरा ब्लॉग ज़रूर आएगा फ्रेंड्स, मैं अभी कोई प्लान नहीं है कि मैं कल कैसे सेलिब्रेट करने वाली हूँ 1st of January 2020, लेकिन आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मैं बाहर जाऊंगी तो भी करूंगी, घर पे रहूंगी तो भी करूंगी, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरे साथ जरूर शेयर करना कि आप अपना जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है कैसे किया, पिकनिक गए, फ्रेंड्स के साथ किया, फैमिली के साथ किया, बाहर जाकर किया, मूवी देखा, क्या किया, बाहर में डिनर पार्टी किया, लंच पार्टी किया, तो मेरे साथ एक छोटा सा कमेंट करके मुझे जरूर शेयर करना, बहुत अच्छा लगता है। 2020 जो है आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, और सभी की मनोकामना पूर्ण हुए, दिल से मैं यही दुआ करती हूँ। और सभी अपने लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं तो उस वो अपने गोल पे फोकस करें और बस निरंतर अपने काम को करते रहें, अचीवमेंट जरूर मिलेगी। ऐसी आशा के साथ मैं नए साल को वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी जो काम शुरू किया है मैं चाहती हूँ कि मैं उसको और भी बेहतर तरीके से कर पाऊँ। और कुछ नहीं, बस स्वस्थ रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, इसी आशा के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और फिर मिलते हैं न्यू ईयर नए ब्लॉग, नए वीडियो और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी न्यू ईयर। फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें और ऑल बेल बटन पे क्लिक करें, यहाँ से आप लाइक कर सकते हैं और यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। तो यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, और नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।